स्टार भारत के मोस्ट पॉपुलर शो सीरियल निमकी विधायक के आज के एपिसोड में ये दिखाया जाएगा। निमकी उठ नहीं रही होती हैं, तभी चाची आकर कहती हैं, आज तुमको विधानसभा नहीं जाना, आज तो स्वतंत्रता दिवस है, विधानसभा में कुछ तो खास होगा वहाँ पे। निमकी कहती हैं हाँ, तभी तो कल से तैयारी कर रहे थे। और फिर निमकी को बाहर से लड़ने की आवाज़ें आ रही होती हैं, तभी पूछती हैं कि बाहर क्या चल रहा है। तभी चाची कहती हैं बाहर सब लोग झंडा फहराने के लिए लड़ रहे हैं। तभी निमकी बाहर आकर देखती हैं विधायक और मंत्री की लिलिस्ट पावर को लेकर लड़ रहे होते हैं। तभी निमकी बाहर जाकर कहती हैं आप सबसे पावरफुल तो हम हैं, क्योंकि हम खुद विधायक हैं, इस हिसाब से तो झंडा फहराने का हक हमेरा हुआ। और फिर निमकी झंडा फहराती हैं और सब लोग राष्ट्रीय गीत गाते हैं। तभी निमकी की नज़र एक व्यक्ति के हाथ पे पड़ती है। निमकी कहती है अरे आज तो रक्षाबंधन है। और निमकी कहती है हम तो भूल ही गए थे। और उधर स्वीटी बब्बू की पिक्चर देखकर और पुरानी बातें सोचकर रो रही होती हैं। तभी अलीना आती है और कहती है इस बब्बू ने तो आप पर गोली चलाया था, फिर आप इनके लिए क्यों रो रही हो। तभी स्वीटी कहती है मेरे भाई ने बहुत पाप किए थे और उसने वो ही कुछ किया जो उसे सिखाया गया था और फिर वो सुधर गया। तभी उसके बाद तीतर सिंह ने मार दिया। तभी अलीना तीतर सिंह को नाना कहती हैं। तभी स्वीटी कहती हैं वो तुम्हारे नाना नहीं हैं और ना ही हमारा उनसे कोई रिश्ता है। फिर अभिमान्यु बाबू वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं हमको तो ये समझ नहीं आता कि रक्षा करने के लिए हक भाई को क्यों दिया जाता है, हम हैं ना रक्षा करने के लिए। तभी अभिमान्यु बाबू स्वीटी को समझाते हैं स्वीटी जी आपको इस सब से बाहर निकलना होगा। तभी स्वीटी कहती हैं हम वहाँ पर टाइम से पहुंच जाते तो आज बब्बू जिंदा होता। तभी अभिमन्यु बाबू कहते हैं नहीं, बहुत लेट हो चुका था, या तो बब्बू तीतर को मार देता या तीतर बब्बू को, इसका अंत तो होना ही था। और दूसरी तरफ निमकी मोनू को राखी बांध रही होती है। तभी मोनू कहता है कि क्या भाई ही बहन की रक्षा कर सकता है, क्या बहन अपनी बहन की रक्षा नहीं कर सकती। तभी निमकी गुस्सा हो जाती है। तभी चाची कहती हैं आज रक्षाबंधन है ना, तो याद आ गया होगा। तभी निमकी पापा का व्हील चेयर देख रही होती हैं और कहती हैं बुला लो महुआ को और बंधवा लो राखी, कॉल कर लो उन्हें। तभी चाची फोन कर महुआ से कहती हैं निमकी के घर आ जाए। निमकी कहती हैं तुम जो इमोशन का दरिया लेकर घूमती रहती हो ना, अपने भैया के लिए कम से कम आज यह होना चाहिए था। तभी महुआ कहती है हम निमकी विधायक के घर नहीं आएंगे, आप मोनू को बाहर भेज दीजिए। इस वजह से निमकी मोनू को साथ लेकर कैफे में पहुंच जाती है और कहती है तुम्हारी बहन अभी तक नहीं आई। और उसी वक्त महुआ टुन्ने के साथ वहां आ जाती है। महुआ को देख चाची और मोनू खुश होते हैं और उनका हाल चाल पूछ रहे होते हैं। तभी निमकी कहती है जल्दी करो, हमें बहुत सारा काम होता है। तभी महुआ कहती है हमें भी बहुत सारा पढ़ाई करना है। तभी टुन्ने महुआ से कहता है जो करना है जल्दी करो और चलो यहाँ से। तभी चाची थाली लेने जाती हैं और निमकी और महुआ के हाथ में थमा देती हैं। फिर महुआ और निमकी एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। और फिर आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। दोस्तों आपको क्या लगता है, निमकी और महुआ की गलतफहमी कैसे दूर होगी और निमकी का अगला दिन विधानसभा में कैसा रहेगा, ये जानने के लिए सीरियल निमकी विधायक देखते रहिए। और आगे की अपडेट पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए।